ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक खबर छापी है जिसमें कई आरोप हैं। इस खबर के मुताबिक गार्जियन से बात करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार ने कथित तौर पर विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और साथ ही पाकिस्तानी जांचकर्ताओं द्वारा साझा किए गए दस्तावेज इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के तहत कथित तौर पर विदेशों में खात्मा शुरू किया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इस महीने के अंत में चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दो भारतीय खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमलों के बाद फोकस विदेश में रह रहे आतंकियों पर हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दो अलग अलग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें 2020 के बाद से 20 हत्याओं में भारत की संलिप्तता का संदेह है।